हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने एग्जाम्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जीएस स्ट्रेटजी के लिए, आरपीएफ के लिए, तो उसमें मैंने थोड़ा जल्दी बहुत बोल दिया था, सॉरी, बट मैं वो शॉर्ट बना रही थी जिसमें मुझे जल्दी बोलना था कि एक मिनट में मुझे सारे डिटेल्स प्रोवाइड करनी, इस वजह से मैंने उसमें जल्दी बोला था। बट इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोवाइड करूंगी कि जीएस को कैसे कवर कर सकते हैं। जैसे कि जीएस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो, आर्टिकल्स पढ़ते हो, शेड्यूल्स पढ़ते हो, फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो, वो तो पढ़ना ही है। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो एसएससी को मतलब अपना टारगेट लेके चल रहे हैं और वो भी ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो भी प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टीचर्स बताऊंगी जिनकी हेल्प से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आरपीएफ में आपका साइंस का पोर्शन ज़्यादा आता है। स्टैटिक जीके जैसे कि एसएससी में ज़्यादा होती है बट यहाँ पर कम होती है, लेकिन यहाँ पर साइंस के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको साइंस पर भी फोकस करना होगा, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो एसएससी के एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा आती हैं, साइंस के क्वेश्चंस कुछ ही मिलते हैं, बट यहाँ पर आपका साइंस का अच्छा खासा वेटेज होता है। तो साइंस के लिए आप साइंस मैग्नेट करके एक चैनल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो और अपना अच्छे से स्कोर कर इम्प्रूव कर सकते हो, जिससे कि आप जीएस में टारगेट लेके चलो कि 40 आपके मार्क्स आ ही आएं। जैसे कि परमार एसएससी है, एसएससी के लिए बेस्ट टीचर, लेकिन आप यहाँ पे रेलवे के लिए भी फॉलो कर सकते हो। बाकी नवीन सर हैं, कुमार गौरव सर हैं, इनको फॉलो कर सकते हो। बाकी यहाँ पर मैं यही बोलना चाहूँगी, जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि विद कंसिस्टेंसी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि जीएस में क्या है, जैसे लूसेंट बुक है, आपने टॉपिक ले लिया एंशियंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री में कोई एक, उसी टॉपिक को पढ़ो, उसको पहले उसको डिटेल में पढ़ लो, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, मॉक टेस्ट दो। यहाँ पे आप सेक्शनल वाइज अगर टॉपिक प्रिपेयर करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, और होता भी है। तो आप लोग पर्टिकुलर देखो कि कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है और फिर उसी वेटेज मतलब उसी टॉपिक को आप सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन करने की कोशिश करो। अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊँ आप लोग को कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज ज़्यादा होता है, तो मैं बता सकती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। बस आप कमेंट करके बोलना कि आपको जानना है या नहीं। बाकी मैं आप लोगों से ये बोलूंगी, जो भी एस्पिरेंट्स हैं रेलवे, एसआई, कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी जीएस 50 नंबर की आएगी। तो मैथ्स और रीजनिंग की क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे कैसे आप स्कोर कर सकते हो, क्या एक चीज़ है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि होती तो आसान है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उसमें स्कोर नहीं कर पाते, ये आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी मैं यही बोलूंगी, जो भी एस्पिरेंट्स हैं जीएस को अच्छा टारगेट लेके चले, जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उस समय भी 50 नंबर की जीएस आई थी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी नहीं हो पाए, तो उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई है। यहाँ पर आपको अपना टारगेट लेके चलना होगा कि जीएस में, मैं बोल रही हूँ 40 बहुत ज़्यादा लगता है लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं कि आप स्कोर नहीं कर सकते हो, मिनिमम 35 का तो आपको टारगेट लेकर चलना ही चलना है कि आपके 35 से 38 आए, लेकिन यहाँ पर 40 स्कोर करने के लिए आप लोगों को ये टीचर्स जो मैंने बताया इनसे आप हेल्प ले सकते हो। बाकी यहाँ पर अड्डा 24/7 से आप अस्तो सर से पढ़ सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी। बाकी लूसेंट बुक पढ़ो आप, अगर घटना चक्र है तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। बाकी करंट अफेयर्स के लिए आप महीने महीने वाली ना पढ़कर अब 6 महीने या फिर साल भर वाली पढ़ो। जीके के लिए आप लोग करंट अफेयर्स के लिए एसएससी क्रैकर से पढ़ सकते हो, या फिर आप लोग क्रेजी जीके ट्रिकर के एक चैनल है वहां से पढ़ सकते हो। बाकी ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ जिससे आप लोग जीएस में स्कोर इंप्रूव कर सको। बट यहाँ पे साइंस का पोर्शन ज़्यादा अच्छा होता है, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, कई क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को उसमें फोकस करना होगा, क्योंकि आरआरबी टेक्नीशियन में भी मैथ्स आएगी। तो आप लोग अगर आरआरबी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करो तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बाकी जीएस में आप लोग को कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर जानना है तो उसका वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो आप लोग कमेंट करके बोल देंगे तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी ये कुछ चैनल्स हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अपना जीएस में स्कोर करने के लिए। आप चैनल कोई भी देखो लेकिन खुद से ज़्यादा स्टडी करोगे तभी आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करो, चैप्टर्स को पढ़ो और उनके डिटेल्स पढ़ते रहो। बाकी उनके बैटल्स हैं हिस्ट्री में, ये सारी पढ़ लो, उनके डेट्स पढ़ लो, ये सारी डिटेल्स पढ़ लो। बाकी अगर और कोई चीज़ें आपको जाननी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।